रेप के आरोपों में घिरे दाती महाराज से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। कल भी दाती महाराज से पूछताछ हुई थी। सौतेले भाइयों को आमने सामने बिठाकर क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। चरण सेवा का रहस्य जानने की कोशिश कर रही है क्राइम ब्रांच की टीम। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दाती से पूछताछ जारी, कल भी पूछताछ हुई थी और आज भी पूछताछ की जा रही है। रेप के आरोप में घिरे हुए हैं दाती महाराज और अब सौतेले भाइयों के सामने बिठाकर सवाल किए जा रहे हैं दाती महाराज से। चरण स्पर्श, इसका क्या राज, इसके बारे में इसे जानने की कोशिश कर रही है क्राइम ब्रांच की टीम। और क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो दाती महाराज ने बताई हैं उसको हमें वेरीफाई करना है। सो प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन इज ऑन। वो अभी इसीलिए वो जो जो चीज़ें ये बता रहे हैं उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दो बारी हुआ है मुलाकात, 7 घंटे पहले हुई थी और अभी भी कई घंटों से पूछताछ चल रही है। क्या संतुष्ट है क्राइम ब्रांच उनकी पूछताछ? नहीं, जैसा मैं बता रहा हूँ ना कि इन्होंने जो बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं उनकी उनकी पुष्टि की ज़रूरत है, उनकी वेरीफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो सारी वेरीफिकेशन की प्रोसेस की तो वेरीफिकेशन ही संतुष्ट है आप नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जब तक सारी चीज़ें वेरीफाई हम ना कर लें हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? सर फिर से बुलाया जाएगा सर, जरूरत पड़ी नहीं। अभी इसके जो 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 तमाम फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। से भी पूछताछ हुई है, क्या विरोधाभास मिला है सब लोगों के बीच में? नहीं, कई सारे फैक्ट्स आए हैं लेकिन वो अभी इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पर कि मेरा इस वक्त टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो जैसे मैंने बताया कि जो तमाम चीज़ें जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में आ रही हैं उन सबको हम वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी बातें सामने आ रही हैं जांच के दौरान सबको वेरीफाई किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच का ये कहना है, दाती महाराज से क्राइम ब्रांच की पूछताछ हुई है, अभी भी पूछताछ चल रही है। दाती ने कहा है वो पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है और जो पुलिस जांच कर रही है मैं उसमें पूरा सहयोग कर रहा हूँ। महाराज जी, 2 तारीख का जिक्र हो रहा है, उस दिन शनि अमावस्या होती है, काफी भीड़ होती है, आप उस दिन वहाँ मौजूद थी, उस थोड़ी वो चीजें थोड़ा सा सवाल खड़ा करिए, अपनी कुछ आप सफाई देना चाहेंगे? पुलिस जांच कर रही है और मैं जांच में अपना पूरा सहयोग कर रहा हूँ। नमन। और रुमानुल्लाह खान हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुमान, आपसे जानना चाहेंगे, कल भी पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ हो रही है, जांच में पूरा सहयोग करेंगे, दाती महाराज का ये कहना है, चरण स्पर्श का राज क्या है ये जानने की कोशिश की जा रही है और सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर दाती महाराज की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, अपडेट क्या मिल रहे हैं? देखिए बिल्कुल, दाती महाराज से पूछताछ लगातार जारी है। 9:45 पर दाती महाराज क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए थे। करीब 5.25 घंटे से दाती महाराज से लगातार पूछताछ चल रही है। इससे पहले मंगलवार को दाती महाराज से 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी और उनको दोबारा शुक्रवार यानी आज के दिन के लिए बुलाया गया था। इस दौरान बुधवार और बृहस्पतिवार को दाती महाराज के तीनों सौतेले भाई अनिल, अर्जुन और अशोक से क्राइम ब्रांच ने 2 दिन लगातार पूछ की है। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक दाती महाराज के तीनों सौतेले भाइयों ने जो बयान दिए हैं उनको अलग अलग भी वेरीफाई किया गया है और दाती महाराज के दिए गए बयानों में काफ़ी विरोधाभास पाया गया है जिसको वेरीफाई करने के लिए दाती महाराज को बुलाया गया है। दाती महाराज ने पिछली बार जाते समय कहा था कि वो क्राइम ब्रांच से कहा था कि वो अब आएंगे तो जो कुछ उन्होंने बताया है उसके सबूत भी अपने साथ लेकर आएंगे। हालांकि सुबह जब दाती महाराज यहां पर पहुंचे थे तब उनके हाथ में एक थैला था, क्या था उसके अंदर ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन दाती महाराज से पूछताछ लगातार जारी है। इधर क्राइम ब्रांच का कहना है कि अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सका है, कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको वेरीफाई करना ज़रूरी है। हालाँकि दाती महाराज और उनके भाइयों के बयान से क्राइम ब्रांच पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और उसको वेरीफाई करना चाह रही है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि कोई भी कदम दोनों पक्षों के तमाम सुनने के बाद, तमाम दलीलों को सुनने के बाद और सभी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही उठाया जाएगा। चलिए रुमान, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो दाती महाराज की सफाई भी आ रही है लेकिन लगातार पूछताछ भी जारी है।